हेलो गाइज, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस जेल को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और इस जेल को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या इस जेल के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आज इस जेल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल है, यहाँ पर हमें इस तरीके यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ट्यूब में देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल। एंड गाइस, जेल की प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 60 ml का पैक है और इसका प्राइस है 45 rupees और ये जेल आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा। गाइस, अब बात आती है एलोवेरा जेल की बेनिफिट्स की। एलोवेरा जेल को यूज़ करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं? गाइज, आप इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पे या फिर अपने हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको इस एलोवेरा जेल को फेस पे लगाने के बेनिफिट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस एलोवेरा जेल को हेयर में लगाने के बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। गाइज, अगर आप इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाते हो और आपके फेस पे पिंपल्स या रिंकल जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये एलोवेरा जेल आपके फेस से पिंपल्स और रिंकल जैसी प्रॉब्लम को एक हफ्ते में काफ़ी हद तक कम कर देगा। इसके एक हफ्ते के यूज़ करने के बाद ही आपको लगने लगेगा कि आपके पिंपल्स और रिंकल्स काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। एंड गाइज, अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है और आपकी स्किन रुकी रुकी सी रहती है तो उस कंडीशन में भी ये एलोवेरा जेल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है। मतलब कि एलोवेरा जेल आपके फेस पे ग्लो तो लाता ही है, साथ में अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट, पिंपल्स और रिंकल जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। गाइज, ये तो हो गए एलोवेरा जेल को फेस पे लगाने के बेनिफिट्स। अब मैं आपको इस एलोवेरा जेल को हेयर में लगाने के बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। गाइज, एलोवेरा जेल को हेयर में लगाने का एक बेनिफिट तो ये होता है कि अगर आपके सर में डैंड्रफ होता है तो ये एलोवेरा जेल आपके सर से डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। एंड गाइज, अगर आपके हेयर थोड़े कमजोर हैं और आपके हेयर ज़्यादा टूटते और झड़ते हैं तो उस कंडीशन में भी एलोवेरा जेल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि एलोवेरा जेल आपके हेयर को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। एंड गाइज, ये एलोवेरा जेल आपकी हेयर की भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। गाइज, अब बात आती है इस एलोवेरा जेल को यूज़ करने के तरीके के बारे में। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में इस एलोवेरा जेल को ले लेना है और 2 से 3 मिनट सर्कुलर मोशन में आपको अपने फेस पे इस एलोवेरा जेल से मसाज करनी है और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। एंड गाइज, अगर आप इस एलोवेरा जेल को अपने हेयर में यूज़ करना चाहते हो सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको नहाने से आधे घंटे पहले आपको अपने हेयर की इस एलोवेरा जेल से अच्छे तरीके से मसाज कर लेनी है। आपको 10 से 15 मिनट इस एलोवेरा जेल से अपने हेयर की अच्छे तरीके से मसाज कर लेनी है और उसके बाद आपको अपने हेयर को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इस अगर आप वीक में 2 बार नहाने से आधे घंटे पहले इस एलोवेरा जेल की 10 से 15 मिनट अपने हेयर की मसाज करते हो तो ये एलोवेरा जेल आपके हेयर से डैंड्रफ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव कर देगा और आपके हेयर को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बना देगा। गाइज, बात करें इस एलोवेरा जेल की साइड इफेक्ट की, सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको इस एलोवेरा जेल के कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आप इस एलोवेरा जेल को टेंशन फ्री यूज़ कर सकते हैं और इस एलोवेरा जेल को मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।